2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्या के मामले में 7 आरोपियों को सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के 3 शार्प शूटर फरहान आबिद और अब्दुल कवी भी शामिल हैं। इसके अलावा जावेद इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हत्याकांड के 2 आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है। 6 आरोपियों को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1 अन्य आरोपी फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई है। 25 जनवरी 2005 दिन मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल SRN अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से 2 गाड़ियों के काफिले में साथियों संग धूमनगंज के नीवा में घर लौट रहे थे। तभी सुलेम सराय में GT रोड पर उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई। राजू पाल खुद गाड़ी चला रहे थे। उनके बगल में दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी जो उन्हें चौफटका के पास मिली थी। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी थे। पीछे स्कॉर्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओम प्रकाश और नीवा के सैफ समेत 4 लोग मौजूद थे। दोनों गाड़ियों में 1-1 सशस्त्र सिपाही थे। आसपास के लोग अब भी सरेराह गोलियों की तड़तड़ाहट को याद कर सिहर उठते हैं। पति के हत्यारों को सजा दिलाने के बाद विधायक पूजा पाल बोली, सिर्फ मेरे नहीं अतीक अहमद गैंग से पीड़ित हर शख्स को आज इंसाफ मिला। वहीं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। 19 सालों से चल रहा संघर्ष रंग लाया है। इस लड़ाई में जिसने भी सहयोग किया सबका धन्यवाद, आभार।